जूते के निशान से इलाका हवेली में चोर घुस गया। किस पर आगे बढ़ के रास्ता दिखा माने। क्या हो रहा है यू?
मन्ने पूछा के हो रहा था यहाँ? नहीं अब्बा जी। नहीं अम्मा जी, मतलब इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। शाह ने खुद मुझे यहां पर बुलाया था। सच कह रहा हूं माजी, सिया ने मुझे यहां पर बुलाया था ये कहकर कि राघव को आते आते देर हो जाएगी और ऐसे आकर अकेले में मिलूं। क्या बोल रहे हो तुम जय? अम्मा जी आदमी झूठ बोल रहा है। झूठ बोल रहा है ये लड़का। मुझे माफ कर दीजिए अम्मा जी। मुझे इतनी बड़ी बात आपसे और राघव से नहीं छुपानी चाहिए थी। सच तो यह है कि हम एक दूसरे को दिल्ली से जानते हैं। जानते ही नहीं बल्कि हम एक दूसरे के बहुत करीब थे। हम एक ही कॉलेज में पढ़ा करते थे, साथ पढ़ना साथ आना जाना हमेशा साथ रहते थे। पर अचानक हालात कुछ ऐसे बदले कि हम हमारा रिश्ता आगे नहीं बढ़ा पाए। और फिर सब मैंने सिया को यहां देखा। मैंने अपने दिल को यह कहकर मना लिया कि अब इस पर मेरा कोई हक नहीं। इसके बारे में सोचना भी मेरे लिए पाप है। लेकिन जब मुझे पता चला कि सिया के दिल में अब भी वो प्यार बाकी है मेरे लिए, जब उसने मुझे यहां पर अकेले बुलाया तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया अम्मा जी।
रोक नहीं पाया।